दीपिका जी, हेलो। स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी दीपिका जी, जय हिंद। जी बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, मुझे ना पाइल्स की प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, कितनी उम्र है आपकी? अच्छा, 26 ब्लीडिंग होती है या तकलीफ होती है? नहीं सर, वो मसले हैं, 2-3 मसले हैं सिर्फ गुदे उसमें। ठीक है। हाँ देखिए, सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी और एक आता है नमक जैतून, कहते हैं आसान लैंग्वेज में नमक जैतून आता है, रॉ मटेरियल है ये। रसायन जैतून भी कह सकते हैं और एस्टेक जैतून भी कह सकते हैं। 200-200 ग्राम वो सब लें और 100-150 ग्राम ये जैतून का नमक, इसे मिला के पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच शुरू करें। आप बहुत यंग हैं, जल्दी फ़ायदा होना चाहिए। और सुबह शाम खाने से पहले, खाने के बाद कभी भी लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से अगली कॉलर हैं पूजा, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी जी पूजा जी, सवाल करिए अपना। जी मेरा छोटा भाई है मेरा, जो उसको बार बार जुकाम होता है और खांसी वासी रहती ज्यादा फिरती है। 17 साल। उम्र क्या है उनकी? ठीक है देखिए, बच्चे हो या बड़े, जिनको भी खांसी, नज़ले, छींकें, बलगम आता है, वो बहुत खबरदार रहें। इस वक्त में हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग जिनमें ये इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया को इम्यूनिटी की ज़रूरत है। इम्यूनिटी के लिए एक घरेलू नुस्खा जो काफ़ी पसंद किया जाता है और कामयाब है, वो है लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी। तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और अपने किचन से लें, पीप लें, जो किचन में होती हैं, 30 ग्राम पीप लें, इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और 2 टाइम उन्हें दिया करें गर्म पानी के साथ। 5 बार गर्म पानी पिलाएं और बाहर की चीज़ें और खट्टी चीज़ें बंद करा दें तो आपका भाई ठीक होना मुमकिन है। जी। राजस्थान से ये नेक्स्ट कॉलर हैं किशन, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। मेरे अड्डी सी तो पूरा है जी, पैर दुख है और ठंड में नहीं हूँ, कभी कभी करंट चला लग गए। पैरों में दुखन है? हाँ एक पैर में। एज क्या है आपकी, कब से है ये तकलीफ? ये 12 महीना हो गया। और उम्र क्या है आपकी? 43 साल। 40 के बाद किसी को भी ये दर्द शुरू हो जाता है। टांग में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ये कभी भी शुरू हो जाता है। और ये कोई बड़ा रोग नहीं होता, लेकिन हम इसे बड़ा रोग बना लेते हैं। जब दर्द हुआ, एक गोली खा ली, ठीक हो गया, फिर हुआ, फिर खा ली, ऐसे 5-10 साल खींच देते हैं। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आपको जल्दी फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 5-10 साल, 20 साल तक के मरीज़ होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई दर्द आपको 10-15 दिन से ज़्यादा हो तो फिर आपको यूनानी की तरफ आ जाना चाहिए। यूनानी में एक सोना कहलाता है एक दवा, बुज़ुर्गों के लिए, दर्दमंदों के लिए, जिनको दर्द होता है उनके लिए, और वो होता है गौंद स्याह, काला गौंद इसे कहते हैं। मिल जाए अगर असली तो किस्मत है। आधा ग्राम सुबह शाम लें, 100 ग्राम भी अगर आप ले लेंगे तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको के रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये कड़वा बहुत होता है, देखने में ब्राउन, लेकिन इसको काला गोंद या सियाह गोंद कहा जाता है। इसको असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है और आपका दर्द को ख़त्म करना इस गोंद की ज़िम्मेदारी है। पंजाब से अगली कॉलर है नीरू, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी नीरू, बताइए। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम मेरे मदर हैं, उनकी बॉडी में हमेशा पेन होती रहती है।
कब से पेन हो रहा है ये? कब से हो रहा है? मेरी मदर से बात कर लीजिए। जी बोलिए। हेलो हाँ जी बताइए। हेलो ना, हाँ जी मैम, मेरे मुझे तो बॉडी पेन होती रहती है। हाँ जी, कितनी कितनी आयु है आपकी? मेरी है जी आप 50 है। हाँ और कितने दिन से है बेटा आपको? कितने जी, दिन से है तकलीफ? ये तो 2 साल हो चले, 2-3 साल। अच्छा देखिए, आप यकीन करें कि ऐसे तमाम दर्द का इलाज यूनानी में होता है, अच्छा इलाज होता है, लेकिन जहाँ आप 2 साल से दवा खा रहे हैं, 2-3 महीने यूनानी को दे दीजिए। यूनानी एक ऐसा तरीका इलाज है जो रोग की जड़ पर काम करता है, और मैं एक प्रोग्राम में दसियों बार लोगों को बताता हूँ, और जिन्होंने ये गौंद लिया उन्होंने फ़ायदा उठाया। आप भी ले लीजिए, गौंद स्या नाम का एक काला गौंद आता है जो इंतहाई कड़वा तो होता है, बुरा तो आपको बहुत लगेगा उसका जायका, लेकिन ये फ़ायदा बहुत करता है। मैंने अपने जीवन में ऐसी जड़ी बूटी नहीं देखी जो रॉ मटेरियल है, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने से कैसा भी दर्द हो उस सब दर्द को हर लेता है। आप असली ज़रूर लें, असली की पहचान है कि कड़वा होता है, और इसको नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, देहरादून से अगले कॉलर हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका, हाँ जी अजय बोलिए। साहब नमस्कार। जी आदाब सुरेश जी। हाँ जी, मेरे को 2 साल से पैरालिसिस हो गया था, जी और उसमें एक हाथ पैर में थोड़ा बहुत चल फिरता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। जी 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 और बताइए कुछ हाँ कहना है। भाई, हाथ पैर में, एक दाएं हाथ हाथ पैर में दर्द है, वो मतलब पैरालिसिस है। ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, देखिए आप मेरी बात गौर से सुने, जितने भी पैरालाइज्ड के मरीज हैं वो गौर से सुने। देखिए, जैतून का सिरका अगर 3-3 चम्मच सुबह शाम पिया जाए तो ये उस जगह की रिपेयर करता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अब ये हमारे दिमाग की किसी नर्व में कोलेस्ट्रॉल युक्त खून जब जम जाता है और वो नस ब्लॉक हो जाती है तो हमें फालिज होता है। तो ये फालिज या पैरालाइज जिसको भी होता है वो बार बार होता है, तो इसलिए भी पिए कि ये ठीक हो जाए, इसलिए भी पिए कि दोबारा ना हो। ये नहीं होने देता दोबारा। जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम पीना है, और दर्द के लिए आप लें गौंद स्याह, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, असली लेना ज़रूरी है आपका, कड़वा होता है, गौंद स्याह कहते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम लें, और नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी, आधा आधा ग्राम खाएं, 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपका तमाम दर्द हर हर लेने की सलाहियत रखता है। जी, अगले कॉलर हैं राजस्थान के भरतपुर से लक्ष्मी देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। जी लक्ष्मी जी, सवाल करिए। मेरे क्या सर, मेरे गठिया वार है बहुत ज्यादा, और मेरे क्या दर्द रहता है और सूजन रहती है। एज क्या है आपकी? हाँ, उम्र क्या है? मेरी एज है 45 साल। और कितने सालों से है ये लक्ष्मी जी? मुझे क्या 5 साल हो गई, कम से कम 5 साल हो गई मेरे, और मेरे बहुत दर्द रहता है सारे शरीर में, और मैं बहुत परेशान हूँ, और यहाँ पे गोम सीएम मिल नहीं रहा है। मैं आपका कार्यक्रम देखती हूँ रोजाना। धन्यवाद। जिसको गौंसिया नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, वो आपके इलाके में कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है आपको बता देंगे। ये बड़े दुकानदार रखते हैं, छोटे दुकानदार नहीं रखते। आप असली वाला लेना और आधा आधा ग्राम खाएं, आप बिल्कुल अच्छी हो सकती हैं। ये गौंद कड़वा ज़रूर है लेकिन फ़ायदे में ये
बहुत अजीब है, मेरे जीवन में ऐसा गौंद कभी नहीं आया कि जो इतना फ़ायदा करता हो। आप प्रोग्राम देखती हैं, आप देखती हैं कि फीडबैक कितने आते हैं, लोग अगर 10-15 दिन इंतज़ार करें तो फ़ायदा नज़र आता है, 5 दिन 10 दिन तो ज़रूर लग जाते हैं फ़ायदा शुरू होने में, एकदम से पूरा फ़ायदा नहीं होता। 4-5 महीने इसको इस्तेमाल करें, 100 ग्राम भी ख़रीद लें तो ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग मुक्त करना की सलाहियत रखता है। जी, काजल है अगली कॉलर, अंबाला से स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। हकीम साहब जी को नमस्कार। आदाब काजल जी। मेरे को ये प्रश्न है जी, मेरा लाइन ना काटा जाए, मेरा पूरा बात से सुनना पड़ेगा। जी मेरा, मैंने वो जो दो में ऑर्डर किया था, गोन किया और गोन मोरिंदा, तो वो मेरे पास तो आया लेकिन वो पिसता नहीं है जी, बहुत टाइम लगता है, तो बिल्कुल पत्थर का तरह हार्ड है। देखिए एक तो इसकी पहचान कर लीजिए कि यही असली है, और इसे पहले तोड़िए। अमाम दस्ता होता है ना गांव वालों के पास, आप गांव वाले हो शहर वाले? नहीं नहीं जी, हम गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम भी गांव से आता हूँ, तो ऐसे अमाम दस्ते में डाल के थोड़ा कूट लीजिए, फिर छोटा छोटा हो जाए, फिर ग्राइंडर में घुमाइए, फिर एकदम पाउडर हो जाएगा। और क्या सवाल है? सब मेरा तो पाउडर में बना ही, बहुत मेहनत से, इसका मेहनत का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को है, उन्होंने ही किया मेरे लिए इतना मेहनत। और मेरे को ये प्रश्न है, मेरे को आपका कॉल सेंटर से बात हुई, खाने में मैं क्या खाऊं और कैसे लो इसको, जैसे दोनों ही दूध में लेना है क्या ना, और किसी में लेना है, और खाने में मेरे को क्या क्या अवॉइड करना है? कौन सा गोंद खाना है आपको? ये जो गोंद मोरिंगा जो सफेद वाला, और गोंद किया जो इसका जो कोर्बी आपने बताया ना, ये कोर्बी है आपका सेंटर से आया है, ये जो पीसा था इसका मुंह में जा रहा था तो बहुत करवा छोड़ी थी मुंह में। ठीक है बेटा। ये गोंद सिया भी आपको ही खाना है क्या? जी जी मेरे को ही है, मेरे को बैक पेन है, मेरे को 4 साल से, इसका मेन कारण है मेरा बच्चा जो हुआ सीजर में, इसका बात से है, और मेरे को कब्ज भी रहता है, गैस भी बनती है, और बाल जो बहुत जल रहा है, बाल तो ऐसे बहुत लंबी है लेकिन जल रहा है बहुत। तो फिर मेरे को बात हुई है आपका सीनियर जो RP वर्मा, उन्होंने बोला बालों के लिए तेल भी ऑर्डर करना है और शैम्पू, तो फिर देख लीजिए सर, हम तो गरीब है, इतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है, अभी कोरोना का वजह से तो मुश्किल है, लेकिन मेरा पैसा नहीं ज्यादा है, इसीलिए मैं मंगाई। कोरोना ने बड़े बड़े रईसों को गरीब कर दिया, हमें भी गरीब कर दिया, और आप ये यही शुरू करिए, अभी कुछ मत लीजिए, और भगवान है ना, वो चाहे तो इसी में फ़ायदा दे दे, वो चाहे तो इसके बगैर फ़ायदा दे दे, भगवान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, विश्वास भगवान में रखिए। गोंद सिया आधा आधा ग्राम खाना है, इसको अगर ज़रा सा पानी मिला देना तो ये एक जगह हो जाता है, नरम हो जाता है एक जगह, इसकी गोलियाँ बना लें चने के बराबर या उससे ज़रा सी बड़ी, और एक एक गोली सुबह शाम खाएं, ये आसान हो जाएगा। और वो गोंद मोरिंगा पानी में डाल सकते हैं, पाउडर करके पानी में 1-2 चुटकी पानी मिला के एक बार पिया करें, और आपको जब फ़ायदा हो तो कुछ भी करना पड़े, कॉल मुश्किल से मिले या कैसे, आपको बताना है कि आपको कितना फ़ायदा है, 15-20 दिन बाद फ़ोन करें, आपकी हर जोड़ हर नस हर दर्द का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है राजरानी जी करनाल से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, मुझे ना कितना टाइम हो गया, दर्द है इसमें घुटनों में काफी ज्यादा, कमर में भी पेन होता है और घुटनों में भी पेन होता है, तो और थायराइड भी है मुझे, तो क्या दवाई लूं मैं उसके लिए? उम्र क्या है आपकी? मेरी 55 साल। कितने सालों से दर्द है? हो गए 8-10 साल हो गए हैं मुझे तो दर्दों के लिए तो। जी। अच्छा बेटा देखो, आपने बहुत दवाइयां ले ली और जीवन भर लेना है अगर आपने यूनानी इलाज नहीं किया। यूनानी इलाज की यही सिफत है कि आपको 4-5-6-7 महीने भी लग सकते हैं लेकिन रोग मुक्ति हो जाती है। पहले एक दवा लीजिए या दोनों दवाएं भी साथ में ले सकते हैं, वैसे मैं चाहूँगा एक लें। सबसे पहले आप अपना या तो थायराइड अच्छा करें
या दर्द अच्छा करें। दर्द अच्छा करना है तो गौंसिया बहुत मशहूर है, ये जिसको मिल गया असली, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है, और ये 100 ग्राम भी मिल गया असली तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और ये लें और थायराइड का नुस्खा लिख तो लें, आप लें ना लें बराबर लिख के रखा करें और दूसरों को भी ये बांटा करें। अगर हम दूसरों की भी को भी अपना फ़ायदा उठा के दूसरों को भी बता दें तो उन इसका भी पुण्य होता है। तो देखिए, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, गौन मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला ही लेना है, लाल नहीं लेना, लाल वाला नकली होता है, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, इसको पाउडर बना के आप एक चम्मच सुबह एक चम्मच खाया करें, और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है। आप देखेंगे कि हर महीने दो महीने में आपकी गोली कम होती जाएगी, आपके डॉक्टर कहेगा कि जब कम हो रहा है तो मैं फिर इतनी तेज़ गोली क्यों दूँ आपको, और 5 महीने से 7 महीने में अक्सर गोली छूट जाती है और ये नुस्खा भी छूट जाता है। या तो जीवन भर आपको खाना है या ये 5-7 महीने आप इसमें लगाइए, और इससे बहुत फ़ायदा लोगों ने उठाया, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं।